हेलो गाइस, बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्रॉक के स्मैक और मूव्स कैसे लगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैंने द्रॉक ले लिया है, सामने कोई सा कंप्यूटर में सेकंड प्लेयर दिला देता हूं। चलो सबसे पहले बात करते हैं द्रॉक के स्मैक की, फिर मूव्स बताएंगे। स्मैक मारने के लिए सबसे पहले मैंने किक तो बताई है, हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बताऊंगा किक मार के स्मैक कैसे मारते हैं। ये वाला एरो और इसको दोनों को एक साथ दबाने के बाद एक्स दबाओगे तो किक मारेगा वो। ये देखिए उसका स्मैक का ऑप्शन आ रहा है, फिर आप L1 दबा देना तो स्मैक लग जाएगी। अब घूम के भी इसको ऐसे लगा सकते हो। अच्छा, हर प्लेयर की दो स्मैक रहती है, द्रॉक की एक स्मैक मैंने बता दी, दूसरी स्मैक द्रॉक के नीचे साइड लगती है, आपको उसको बीच में लाना है कैसे भी करके, और ये L1 दबा देना है, यहाँ पर बीच में रखना उसको एकदम। और सी के पास जाके L1, इस स्मैक के बीच में अगर आपको किसी ने टच किया तो ये स्मैक फेल हो जाएगी, ये स्मैक की कमजोरी है। और ये स्मैक आप लगातार एक जैसी लगा सकते हो, जितनी भी हो उतनी एक साथ लगा सकते हो। तो मैं बताता हूँ किसे ये लगी, ये एक और, जब तक खत्म नहीं हो जाए स्मैक तब तक पूरी स्मैक लगा सकते हो उसके ऊपर। तो ये मैंने बता दिया, अब बात करते हैं द्रॉक के मूव्स के बारे में। ये वाला मूव DDT कैसे लगाते हैं, ये वाला इसको लगाने के लिए ये वाला एरो और ओ दबाओगे तो DDT लग जाएगी। ये देखिए, अब सुप्लेक्स बताता हूं मैं, ये वाला ये सुप्लेक्स लगाने के लिए ऊपर वाला एरो और ओ दबाना पड़े। हाँ, अब एक और मूव मैं आपको बताना चाहता हूं जिसमें स्मैक भी लगा सकोगे आप उसको, ये वाला मूव, ये स्मैक भी लगा सकते हो। याला मूव लगाने के लिए ये वाला लेफ्ट वाला एरो
और ऊपर वाला एरो दबाओगे तो येलो मूव लगेगा। उसके बाद स्मैक लगा सकते हो, दाव भी लगा सकते हो। अब सुप्लेक्स बताता हूं मैं, ये वाला लेफ्ट वाला एरो और राइट वाले एरो को दबाने से येलो सुप्लेक्स लगेगा। लेफ्ट वाला एरो और राइट वाला दबा से येलो सुप्लेक्स लगेगा। अब एक और डीडीटी मैं बताता हूँ, एक दो डीडीटी इसके पास, एक और बताता हूँ ये वाली। ये देखे क्या शानदार है, यह लगाने के लिए लेफ्ट वाला एरो और नीचा वाला एरो। अब डीडीटी का बाद एक और स्मैक का ऑप्शन बताता हूँ, एक और ये वाला देखो। स्मैक लगा सकते हो वापिस, ये वाला बहुत शानदार ऑप्शन है स्मैक लगाने के। जिसको स्मैक लगाने प्रॉब्लम हो रही हो तो ये वाला मूव लगाना, ये बता देता हूं मैं। राइट वाला एरो और ऊपर वाला एरो, राइट वाला एरो और ऊपर वाला एरो, फिर L1 भी दबा सकते हो उसके बाद। अब क्लोज लाइन कैसे मारता है ये देखो, मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये भी मूव मई है इसके। राइट एरो और फिर लेफ्ट एरो, राइट एरो दबाया फिर लेफ्ट एरो। अब दरोक का गियोप मैं बताना चाहता हूँ, दरोक का गियोप, हर प्लेयर का एक ना एक गियोप रहता है। अब दरोक का गियोप मैं बता दूं, ये वाला है। ये आप गियोप देख सकते हो, कोई सा भी आप दबाओगे तो गियोप लग जाएगा, कोई सा भी बटन। हाँ, अब गियोप लगाने के लिए मैं आपको बता दूं तो कौन सा एरो से गियोप लग रहा है, नीचे वाला एरो और लेफ्ट वाला एरो, ये दबाने पे गियोप लग जाएगा। अब मैं ग्राउंड मूव बता दू, दरों के ग्राउंड मूव बता दू, एक ही अच्छा मूव है वो मैं बताता हूं, ये वाला। सेम गोल्ड बग जैसा करता है, बस थोड़ी सी एक्शन अलग है, बाकी सेम गोल्ड बग जैसा कर रहा है। और फिर आप स्मैक दे सकते हो उसको। यह मूव लगाने के लिए सबसे पहले उसको बीच में कहीं भी खड़ा कर लो, उसके बाद लेफ्ट एरो और ओ सिर के पास जाके, सिर के पास जाके लेफ्ट एरो और ओ, फिर आप इसको स्मैक भी लगा सकते हो, मूव भी लगा सकते हो कोई सा भी। अब कॉर्नर मूव मैं बता दूं, दरोक के कॉर्नर मूव एक अच्छा है, सुप्लेक्स। साइड में फेंका अपन ने इसको, पास में गए, ऊपर एरो और ओ दबाना, बस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आ रही है टुमारो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, प्रेस द बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि ऐसी वीडियो में आपके लिए और लाता रहूं और आपके पास आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप देख रहे हैं अभी गेमिंग PS2।